Kargil Kuma Jai 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 Kargil सस्पेंड करो जो करें डिस्कस करने के लिए हमें नहीं चाहिए। आपका हाईवे का हॉस्पिटल तो हुआ हाईवे वाला एम्बुलेंस कहाँ नहीं सर सर तबियत नहीं है हॉस्पिटल भी मैं पास गया कुछ हो गया लेट हो गया आपका हाईवे हाईवे में जो हर हाईवे में एम्बुलेंस इशू है वो एनएमडीआर हाईवे में एम्बुलेंस इशू है वो एम्बुलेंस कहाँ है ये बता दो मुझे क्या घर में लग रहा है हॉस्पिटल में एम्बुलेंस एक ही है क्या नहीं बाकी एम्बुलेंस का कहाँ जी आपने घर पे रखा है ये बताना और ये बताना और सर सर आप एक बताओ मेरे को और आप डॉक्टर हैं वहाँ पे परसों में आया था मैं खुद बजबता सिपाही ठीक है उन्होंने अपना जो स्टेशन के जो यहाँ पे फोटो वोटो लिया उन्होंने लिया बस अपना लेकिन एम्बुलेंस वाले को पुलिस वाले ने फोन किया बिल्कुल टोटली नहीं आया 2 घंटा 10 मिनट हुआ यहाँ पे बिल्कुल टोटली नहीं आया और जब एम्बुलेंस वाला यहाँ पे पहुंचा लास्ट में उसको बोला हमने भाई इस बच्चे को डालो अंदर तो बोलते है हमारा ड्यूटी नहीं है ठीक है मेरा ड्यूटी नहीं है बोला उसने सब गवाही है यहाँ पे ठीक है उसकी डर का नाम मुझे तो पता नहीं क्या है उसका मैंने उसको बोला मैंने प्यार से बोला भाई क्यों लेट हो गया इतना तो बोलते मेरे को उंगली दिखा के तू कौन होता है मैं मेरा ड्यूटी नहीं है बोला उसने सीधी बात बोला ठीक है उसके बाद पुलिस वाला यहाँ पे आया एसएचओ साहब को हमने बता दिया क्या क्या हुआ एम्बुलेंस वालों ने क्या क्या हमने पुलिस वालों की गाड़ी में लाश को रखने वाला था तभी पहुंच गया एम्बुलेंस तो यहाँ पे दो चीज है एक तो जो जेसीबी का ड्राइवर है हाँ, वो भाग गया सर दूसरा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है डेड बॉडी जो है यहाँ पे दो घंटा दस मिनट तो यहाँ पे जो लोकल आप लोगों ने यहाँ पे NH1 को बंद रखा है तो आप लोगों का क्या डिमांड है हमारा डिमांड ये है यहाँ पे सारे हॉस्पिटल का जितना भी CMO है 2 घंटा वो भी इधर होना चाहिए अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी है ठीक है और बात ये भी बोलना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होना चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल में जब भी डॉक्टर लोग वहाँ पे क्लिनिक पे बैठता है 11-12 बजे हॉस्पिटल पे पहुँचते हैं पेशेंट को देखने के लिए क्लिनिक पे बैठते ठीक है जब फोन कर रहे डॉक्टर साहब डॉक्टर लोग अपने पैसे के लिए क्लिनिक पे बैठते हैं 11:30 बजे हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं झूठी बोला दो डिपार्टमेंट में बाकी पे आना चाहिए ना आपने फोन किया उसको बोल रहे बैठे सोए बैठे अभी तक अभी ये आए वो खून सूख गया था गलत गलत अभी जैसे कहा से भरपूर हम आपके ताउन देंगे आज तक देते भी आया है आइंदा भी देते जाएंगे मगर यहाँ पर इस तरह एक मुर्गी और एक आदमी पर आप डिफेंस नहीं कर पाते हैं वो हमें बोलने दो बताइए सर 8-10 बजे रिपोर्ट हुआ है इन्होंने पहले नॉर्मल केस फिर पता चला एक केस सीरियस है फिर इंस्पेक्टर आए दो घंटे
15 किलोमीटर है, मैं पहुँचने के बाद हमारे सीटों साहब पहुँचाए, बाकी सब भी पहुँचा। कौन कब पहुंचा है वो पूरा इंक्वायरी करेंगे, अभी आया सर, वीडियो रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद मैंने एएसपी को बोला यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, एएसपी पहुंच जा, फिर मुझे लगा नहीं ये सिचुएशन सीरियस है, मैं खुद पहुंच गया, थैंक यू, ठीक है। सो 10 बजे मैं खुद ही पहुंच गया, ठीक है, और इंक्वायरी कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है, जो भी मैं पहुंच गया सो फर्स्ट थिंग मैं बोल रहा हूँ इंक्वायरी करेंगे इसमें, कौन कितने बजे आया, एम्बुलेंस का गलती क्या था, क्यों नहीं पहुंचा सर हॉस्पिटल। अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी हमको ये जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट करना है, सारे पुलिस फोर्स यहाँ पे, यहाँ आपके पास इतना ही है टोटल आपके पास इतना है ऑफिसर और ये सर है बस, आप पूरा एनएस को ब्लॉक कर दिया, आप हमको छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जो जिस बच्चे का वो स्कूल गोइंग चाइल्ड है जिसका मौत हुआ है इस एक्सीडेंट में, मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स को इस अफसोसनाक हादसे पे जो बच्चे का जान चला गया है पूरे करगिल के कौम की तरफ से, बिलखसूस LHDC की तरफ से और ज़ाती तौर अपनी तरफ से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ, और इस मुसीबत की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक इस हादसे का मसला है, मुझे 10:08 पर पता चला, मैं बैठा हुआ था घर पे, फ़ोन आया तो मैं सीधा खड़ा होकर यहाँ पहुँचा था। उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर जो आपका SHO है मिस्टर अब्दुल्ला, उसके साथ कुछ पुलिस पर्सनल यहाँ पहुँचा हुआ था, लेकिन जो यहाँ के जो विटनेसेस है उनके मुताबिक कहते हैं कि यह एक्सीडेंट जो है 8:10 पे हुआ है, तब से इन्होंने हेल्थ वालों को एम्बुलेंस के लिए बोला है, हेल्थ वालों की तरफ से इनको रिस्पांस नहीं मिला है, फिर पुलिस वालों को भी इन्होंने बोला है, वहाँ से भी इनको मतलब कुछ रिस्पांस नहीं मिला है, पुलिस वाला काफ़ी लेट पहुँचा है। अब देखिए हेल्थ वाला तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है, ठीक है, ये तो तमाशा है। LHDC इस पर ज़रूर देखेगा, इस पर हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे। सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ है इसका कॉज मैं जानना चाहता हूँ। 8 के बाद हम सब जानते हैं कि आपके मेन मार्केट की तरफ जो भी रूट जाता है वो नो एंट्री जोन होता है, लेकिन 8 के बाद नो एंट्री जोन से इस JCB वाले को कैसे अलाउ किया है, किसने अलाउ किया है, अभी SSP साहब को भी हमने ऑन स्पॉट बुला के SSP साहब से भी बात करके उनके नोटिस में डाला है, और SSP करगिल ने पूरे लोगों को यकीन दिलाया है कि कानूनी क्या चाराजोई है उसके मुताबिक एज़ पर लॉ उस पर एक्शन लिया जाएगा, और उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को जो जो भी जहां जहां भी मतलब जाना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, वो अपना सारा मतलब एक्सरसाइज करके उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे, और उसको हम यकीनन सज़ा दिलाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिलखसूस हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो लैप्सिस हुआ है या आपका ट्रैफिक की तरफ से जो लैप्स हुआ है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उस पर LHDC आज ज़रूर उस पर एक्शन ले लेंगे। अभी हम जो ये रोड रिज्यूम हो जाता है, ट्रैफिक रिज्यूम हो जाता है, हम काउंसिल जाएंगे, हम एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग बुला लेंगे, उसमें हम कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले लेंगे, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि LHDC उनके साथ खड़ा है, जो भी मतलब हमसे हो सकता है वो हम कर लेंगे। जब तक यहां से ट्रैफिक रिज्यूम नहीं होगा मैं खुद यहां से चला भी नहीं जाऊंगा, हम लोगों का जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों से आए हुए हैं, लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं, और एक स्कूल गोइंग चाइल्ड का रोड के बीच में दिन दाड़े रोंड के जाना, ये उसके पेरेंट्स के लिए ही मुसीबत की घड़ी नहीं है, यह हम सबों के लिए मुसीबत की घड़ी है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक मुसीबत की घड़ी है, लेकिन क्या करें, जो होना था वो हो गया, उससे हम रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसके बाद LHDC या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कुछ भी इसको अरेस्ट करने के लिए कर सकते हैं वो मैं आप लोगों की इस मीडिया के माध्यम से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ करगिल वासियों को कि हम ज़रूर इस पर एक्शन ले लेंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।